देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मुंबई में बड़ा हादसा टला, ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया। सिग्नल के पोल को तोड़ते हुए दुकान में घुसी बस, 20 यात्री बाल बाल बचे। ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ जाने के बाद चेंबूर इलाके में बेस की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुआ। जब ये दुर्घटना हुई तब बस में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। दुर्घटना मंगलवार दोपहर चेंबूर पुलिस स्टेशन के सामने स्थित बसंत पार्क के पास दोपहर 12 बजे के आसपास हुई। मालूम हो कि हरिदास पाटिल नामक के बस ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ जाने के कारण बेस की बस ट्रैफिक सिग्नल से टकराते हुए एक दुकान में घुस गई। इसमें बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। ड्राइवर हरिदास पाटिल का घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी स्थिति अब ठीक बताई जा रही है। बीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बस नंबर 381 सुबह 10:30 बजे घाटकोपर स्टेशन पूर्व से चली थी। जब यह बस चेंबूर के टाटा पावर स्टेशन के यहां पहुंची, तो अचानक बस चालक को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसका बस पर से नियंत्रण छूट गया और बस एक सब्जी की दुकान में घुस गई। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में।